एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि मंडी समिति सागर में गेहूं क्रय केंद्र बनाया गया है, जहां पर एक अप्रैल से गेहूं की खरीदारी की जा रही है। इस वर्ष गेहूं की पैदावार बहुत कम है। किसानों से पूछने पर पता चला कि अब की बार गेहूं की पैदावार हर वर्ष की अपेक्षा नहीं है। सरकार द्वारा 2015 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसे किसान का गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसकी पंजीकरण हुआ है। यहाँ के केंद्र प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह बनाए गए हैं, जब यह केंद्र सराय मोहद्दीनपुर जनपद जौनपुर के नाम से है। सब्जी मंडी सहागर में चलाया जा रहा है, जिस किसानों को भारी कठिनाइयों का इस गर्मी के मौसम में सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की खरीदारी की अंतिम तिथि 15 जून 2022 तक है, समय 9 से 6 बजे तक का है। कुछ किसान गेहूं के साथ गेहूं के बोरे में वन पालक भी डालकर लेकर चले आते हैं। ऐसी स्थिति में मशीन लगाना पड़ता है, जो वन पालक और गेहूं को अलग कर देती है। इसकी सच्चाई सामने आ जाती है। प्रभारी की अपील है कि सभी किसान भाइयों से अपने गेहूं को साफ करके ही क्रय केंद्र पर लाएगा, ताकि सरकार का कहीं से नुकसान न हो। आइए देखिए वशिष्ठ मौर्य की खास रिपोर्ट। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।